अभी रात को 2 बजे पुलिस वाले पुलिस वैन में डाले में आए हैं 8 बंदे और वो मेरे गेट के ऊपर से एक तो चढ़ के पार हुआ है, फिर उन्होंने डाला मारा, मेरा गेट तोड़ दिया और अंदर आए हैं देखने के लिए कि जी वलीद इकबाल है या नहीं। ना उनके पास कोई वारंट, ना उसने कोई जुर्म किया, ना कोई लेनी ना देनी, और ये भी अल्लाह का मेहरबानी है कि वो तो घर में है ही नहीं, वो इस शहर में नहीं, ना या वहां रहता है, वो तो आपको पता है कि इस्लामाबाद में होता है। अच्छा, वो बार बार वो जो बार गार्ड है बेचारा, वो भी हमारा बिल्कुल नहीं कमजोर सा है, उसको भी पकड़ लिया और उसको रखा हुआ था अपने कब्जे में, और बाकी जो मुलाजम थे जो भी उनको भी जगाया, उनको कहा कि ये खोलो दरवाजे अपने अंदर जाने, कोई दरवाजा नहीं खुला। फिर थोड़ी देर के बाद उनको ये समझ आ गई कि वो तो यहाँ है ही, तो फिर वो चले गए। लेकिन ये तो तरीका है नहीं है कि मेरे जैसा बंदा जो है, जो बिल्कुल कोई आज तक मैंने कानून नहीं तोड़ा, कानून के मुहाफिज है हमको, हमारे घर के अंदर दाखिल हो जाए और वो भी बगैर इजाजत के आए और गेट तोड़ के आए, ये किसी जो है माशरा तहजीब वाला उसमें ऐसा नहीं होता, ना तो दुरुस्त राष्ट्र में होता, ये वहां होता है जहाँ डाकू का राज है। मेहरबानी करके ये बताइएगा कि किस तरह के आजकल हालात है और ये कौन था। हमें तो इतना पता है कि पुलिस की वर्दी में थे 8 बंदे थे, एक थानेदार था और बाकी मुहर्रर वगैरह उसके साथ जो भी होते वो सब इकट्ठे आए और इधर उधर घर में तलाशी लेते रहे, और बावजूद इसके कि उन्होंने लिए तलाशी, अंदर दाखिल नहीं हो सकते, दरवाजे हमारे पुराने हैं पक्के मजबूत किस्म के, वो खुल ही नहीं सकते, तो बावजूद इसके कि उन्होंने बताया होकर ठाकी की है तो घर के अंदर लकड़ी के दरवाजे नहीं खुले, गेट अलबत्ता हमारा तोड़ गया। बहुत शुक्रिया।